नमस्कार सभी भाई और बहनों को। तो आज मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी। और पुदीना साफ कर लिया वंदना और कल्पना ने। वंदना अभी लगा रही है आटा। ये देखिए वंदना अभी आटा लगा रही है। तो ये पुदीने के जो पत्ते हैं इनको मैंने साफ कर लिया है और भिगो के छोड़ दिया था। अब इनको अच्छे से धो लेते हैं। लहसुन डाल देंगे, ये चार हरी मिर्च, एक टमाटर और नींबू का रस भी डालेंगे। तो ये जार छोटा पड़ गया था, तो इस बड़े जार के अंदर मैं इनको पीस कर लेकर आ गई हूँ। तो ये चटनी बनकर तैयार है। बदबू भी आ सकते हैं आपको? बदबू नहीं कहते, ये खुशबू कहते हैं। बदबू ही कहते हैं, हमारी नाक खराब हो गई। बदबू के कारण दीदी बाहर चली गई। बदबू के कारण मेरे गले में खराश आ गया। कंध के खून आ रहा था, ये देखो यहाँ पर। हाँ देखा, ये देखो। चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रही है। इन दोनों को स्मेल ही अच्छी नहीं लगी पुदीने की, तो इन दोनों ने टेस्ट ही नहीं की। इन दोनों के लिए अलग से मैंने दही की चटनी बना दी है, वो खा रही है। ये देखिए, ये दही की चटनी बनाई हुई है, चटनी के साथ खा रही है रोटी। पुदीने की चटनी टेस्ट तो करो। ये कच्ची चटनी है पुदीने की, और ये मैंने पका ली है, पकाई हुई है। दोनों पुदीने की चटनी है। रिजल्ट पता नहीं, वंदना का रिजल्ट आ गया। कितना नंबर आया? नंबर क्यों सिस्टम को नहीं हुए तो? हाँ, ग्रेड है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए फर्स्ट डिवीजन है। नंबर हम की ठाक होते हैं। फर्स्ट डिवीजन आई क्या? ए ग्रेड पास हुई है, मतलब 60% ऊपर है बंदो। अब फर्स्ट डिवीजन है, सकला ने ए ग्रेड दे दी। वंदना का रिजल्ट आ गया। ये पांचवी क्लास की परीक्षा दी थी इन्हें, और ए ग्रेड से पास हो गई है। बहुत बढ़िया बंधु, शाबाश। आ जाओ तुम कुछ खावा। चलो काटो, ले लो बरसात लो। आर्टिफिशियल बरसात है। वाओ, लाल भूमि ले। देख पानी उभर गया मुंह। पानी उठ गया ये मुंडो। मिठो गजब नहीं हुए। एकदम लाल। ये खा ले तू, लार क्या मैं? मैं खा चुका। तो आज बना रही हूँ राबड़ी। राबड़ी तो हम हमेशा बनाते ही हैं, और उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन राबोड़ी बनाते हैं, और उस राबोड़ी की सब्जी बनाते हैं हमारे राजस्थान के अंदर। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, राबोड़ी की रेसिपी। जो अभी बनाएंगे, सुबह सुखाएंगे, जब वो सूख जाएगी राबोड़ी, तब जाकर उसकी सब्जी बनेगी। अब सुखा कर रहेंगे। अभी तो मैं राबोड़ी के लिए जो राबड़ी बनानी है वो तैयार करूंगी, ठीक है? तो राबोड़ी बनाने के लिए मैंने दही ले लिया है। ये इतना दही लिए, बाकी इसमें पानी मिलाएंगे, छाछ बना लेंगे। इसकी छाछ भी आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम पानी मिला लेंगे। इसके अंदर क्या? राबड़ी को मैं ठंडा कर रही हूँ। ये जो लगाया हुआ होता है ना साफा, उसको ठंडा कर रही हूँ। ये गेहूं का आटा, एक कटोरी गेहूं का आटा लिए मैंने, इसके अंदर मिक्स कर देंगे। राबड़ी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी गाढ़ी बनानी है ये, ताकि हमारी राबड़ी अच्छे से बन जाए, वरना पतली रह जाएगी। एक चम्मच भरकर इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा साबुत जीरा डाल देंगे, पिसा हुआ जीरा भी इसमें डालेंगे बाद में। अब इसको पका लेंगे, जैसे राबड़ी बनाते हैं वैसे ही बनाना है। इसी तरीके से आप ये जो राबोड़ी है, ये ज्वार के आटे की, मक्के के आटे की भी बना सकते हैं। तो अभी मैं काकड़िया की सब्जी बना रही हूँ। ये काकड़िया हरी मिर्च है, और ये राबड़ी भी बन रही है। तो ये देखिए राबड़ी बनकर तैयार है, और एकदम गाढ़ी गाढ़ी बनी। इसमें थोड़ी सी मिर्ची भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी मिर्ची डाल रही हूँ, मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए एकदम गाढ़ी हो गई है, इस तरीके की होनी चाहिए। थोड़ा पिसा हुआ जीरा और डाल देते हैं,
ये जीरा पिसा हुआ है। अब रात भर इस राबड़ी को ठंडा होने देंगे। काकड़िया की सब्जी बना रही हूँ, इसके लिए तेल गर्म हो गए हैं, जीरा डाल दिया है, सरसों डाल दिए। लुका छुपी खेल छो? हाँ, सब्जी बना थे, छुप जाओ। बच्चों को लुका छुपी खेलने का पसंद है, खेलना पसंद है, तो वो दोनों छुप गई है। मैं साथ में काम कर लूंगी और उनके साथ खेल भी लूंगी। तो ये मैंने हरी मिर्ची, लहसुन और मसाला डाल दिया है। मसाला अच्छे से पक गए हैं, तो अब इसके अंदर मैं काकड़िया डाल दूंगी। और काकड़िया की सब्जी इस गर्मियों के अंदर बहुत ही अच्छी लगती है, रोटी चूर कर खाते हैं तो। बहुत गर्मी लग रही है, गेट खोल पाई ठीक है? ठीक है, गेट बंद ना करो, मैं गर्मी लग गया। दरवाजा और बंद कर देते हैं रसोई के अंदर, फिर बहुत गर्मी हो जाती है। कल्पना को ढूंढना बाकी है, कल्पना का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई लग रहा है मुझे। कल्पना ही है बाबू, एसमेस बाबू के पीछे एक और बाबू, ये कौन है? तो अभी सुबह हो चुकी है और धूप भी निकल गई है, सुबह के 9 बज चुके हैं। तो अभी हम छत पर जाकर वो राबड़ी सुखा कर आएंगे। तो अभी मैं छत की झाड़ू निकाल रही हूँ, पहले झाड़ू निकाल लेते हैं ताकि राबड़ी के अंदर मिट्टी ना पड़े। ये हमने एक बड़ी सी पॉलीथीन बिछा ली है यहाँ पे, वंदना कर रही है इसको साफ। ये गमले लगा दिए हैं, उड़ रही है, आंधी चल रही है। तो अब थोड़ा थोड़ा एक चम्मच ये लेना है राबड़ी, वो इस तरीके से गोल गोल बना देनी है। ये बन गई हमारी राबड़ी, तेज पड़ी रही है, ये दोपहर तक सूख ही जाएगी। इस तरीके से गोल गोल हम पतली पतली राबड़ी बना देंगे। राबड़ी को फिर खाना है, सब्जी बनाएंगे। ये अभी वंदना बना रही है, सही है। तो ये सारी राबड़ी मैंने बना ली है, अब इनको सूखने देंगे दोपहर तक। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ छत पर राबड़ी को देखने के लिए। ज्यादातर राबड़ी सूख चुकी है और कुछ तो सूख कर उतर भी गई है, और इनको मैं उतार रही हूँ, ये सूखी है। तो जो सूखी है उनको उतार कर मैं अभी नीचे ले जाऊंगी। रात कुछ लेकर नहीं गई थी, तो ये चुन्नी की झोली बनाकर इसमें लेकर आई हूँ। सूख गई थी, ये सूख चुकी थी, बाकी कुछ गिली है वो मैं छोड़ के आ गई, ये इतनी सारी सूख गई थी। मैं खाके देख लूं, देख लेता हूँ। तो ये देखिए, ये इतनी राबड़ी लेकर आ गई हूँ, बनी पतनी पतली पतली है, सब्जी अच्छी बनेगी। कब बनाती सब्जी? शाम को, आज शाम को राबड़ी की बनाएंगे। मुझे तो सीधी खाने में अच्छी लग रही है, मुझे पहले ही पता चल गया था, ऐसे टूटी भी आई थी। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, बच्चों को लग गई है भूख। तो आज मैं इनके लिए मसाला पापड़ बना रही हूँ। ये थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल दिया है, ये टमाटर डाल देंगे कटे हुए, ये मसाला पापड़ बनकर तैयार है, ले दो।
मिर्ची पसंद है इसको। तो ये मसाला पापड़े बना दिए, अब खाओ। ये अलग है, स्वाद है, स्वाद है। बदने पापा पी रहे हैं चाय। इतनी तेज धूप गए, मां काम करने की तो दो रहे हैं। दो रहे हैं ये इलाज के। इलाज तो के धरती पर रहना पड़ेगा, तो गर्मी सर्दी है तो वही सही है। ये दोनों अभी रात को सोने के टाइम खेल रही हैं। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ। अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि राबोड़ी की सब्जी कैसे बनती है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।